नागरिक स्तर जींद में हाँ आप देख सकते हो, और यहाँ पर एक निंदनीय घटना जो घटी है। ये जो ग्रामीण हैं, ग्रामवासी हैं, ये किनाना गांव के ग्रामवासी हैं, जींद के अंदर किनाना है। तो मेरे साथ में मतलब कुछ महिलाएं भी हैं और गांव के और मौजूद व्यक्ति भी हैं जो परिवार उसका बोलन की हालत में है। परेशान ना करिए, नहीं तो हमें इनकी लड़की है भाई। गांव कौन सा आपका? बारी गांव है। तो लड़की आपकी कहाँ बह रखी थी? कन्याना। ऐसी मतलब के वो थी जिसकी वजह से मतलब इतने भी हैं उसके बिचारी का है। बच्चे भी है, मना पाले है। आपने पाले? मना पाले है। 21-22 दम काता छोरा दू दबा दे दू काका साल रही या छोरी हो काका साल जब रखती मना इस नानी मेरी तो व्यक्ति का अंतर कर। जो गांव वाले थे, मैंने मतलब गांव वाले की जानकारी मिली थी, पापा भी कई कई दिन यहाँ पर जा करता बुढ़िया के पास जाए करता। एक भी नमत राका गया यू, एक भी नमत मौ सारा दिन लड़की के साथ मार पिटाई कर रख रहा था जी। वहाँ इस कर का मन उसको पापा साथ में छोड़ रखा था, मन खतरा था भी मारेगा यू। आप भी परिवार से हो? परिवार में उसकी बात भी हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, सच्चे था वो मते। दो महीने मा नजी मारा फिसरा जो सा। हाँ जी, दो महीने मा नजी वगैरह छोड़ कर रखे उसके, दो अभी कोई खतरा नहीं हो जा कह लिया था वगैरह। तो ये उस परिवार के सदस्य हैं भाई, आप इनके पापा हो? मैं सरपंच हूँ गाँव बारी से। अच्छा जी, ये फिलहाल सरपंच? फिलहाल सरपंच हूँ। तो सरपंच साहब, आपके गाँव की लड़की थी जी, तो एक निंदनीय घटना है जी। छोटे छोटे दो बच्चे हैं जी। जी, हर आदमी का दिल पिघल जाता है इस चीज़, मेरा भी दिल पिघल जाए जी। जी, तो क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं कल से सुनो, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। पहली बात तो ये है, मैं कल सुबह से उस लड़की के साथ था। पंचायत चल रही थी 15 दिन से। कल भी पंचायत थी, पुलिस कंपाउंड में पंचायत थी। मैं सवेरे 9 बजे से, लड़की 9 बजे बुलाई थी पुलिस में, कोई इंक्वायरी चल रही होगी, मैं भी वहाँ मौके पर था। शाम के 7 बजे तक था। उस लड़की ने ये कहा अपने फादर को, इसका फादर है यहाँ है, पापा कहाँ पे? हाँ बोला, कोई नहीं, मेरे को बताया उसने कि भाई ये लड़की इतनी मायूस हो रही है कि मेरे को ख़त्म करेंगे, अपने माँ बाप के आगे कुछ न कुछ बच्चा ज़रूर कहेगा। मैंने गांव की पंचायत भी आ रही थी, पुलिस के सामने मैंने ये कहा मैं लड़की को लेकर जाऊँगा, हमने खतरा लड़की का। शाम के 6 बजे तक मैंने खूब मतलब जोर लगाया, कुछ वो लड़की ने भी मतलब मेरा साथ इसलिए नहीं दिया, अगर ताऊ कोई बात नहीं मारेंगे तो मार देंगे। यानी कि दिन में मतलब लड़की का पीछे वाला परिवार सारा था गांव के आदमी थे, बारी गांव के आदमी थे, 10 आदमी चौधरी आए हुए थे, सारे गांव को पता इस बात का कि भाई ये मतलब इसके साथ मिस हैपनिंग होनी है। कल हमने भी कहा था उस लड़की को, बेटी तेरी जान बच जाएगी, हमारे साथ चल। मैं खुद मतलब दबाव डाल रहा था लड़की पर, तो लड़की ने फिर स्वरूप नाम है उसके फादर का, मैंने उसको कहा भाई तू मना ले, उन्होंने जवाब दे दिया लड़की ने कि मारेंगे तो मन मार देंगे, बाकी मन मारेंगे। और ये जितने पंजाब चौधरी यहाँ के आ रहे हैं सबको पता था वो लड़की एक हफ्ता पहले भी मारी है, वो उनसे छुट के बाहर गली में बाजी, एक सैनियों का घर था वहाँ, बेचारी डरती बढ़गी, किसी ने उन्होंने थोड़ा पना दिया, उस दिन मर जानी थी 5-7 दिन पहले। और ये तो कल शाम की 6:30 बजे तक भी कहती रही मारेंगे मना, ये वो लड़का भी वहीं था, उसके गांव के मौजी था, एक करमचंद करमवीर नाम का कोई एक होमगार्ड में रहता है, सब कुछ उसने अरेंज कर रखा था मारने का, गांव ने उसकी जिम्मेवारी। गांव वाले कर दे कि कल या परसों मतलब एप्लीकेशन भी दी है, एक हफ्ता ही चल रहा, 15 दिन से चल रही है एप्लीकेशन, रोज मारने की, पहले 5-7 दिन पहले भी मारने की कोशिश की थी, लड़की इनसे छुटा के भाग गई थी, गलियों में आ गई थी, और जिसके घर में बड़ी थी वो भी शायद अभी मैंने देखा था मौजूद है, उस आदमी ने बचाई है उस टाइम, बल्कि रात हो गई थी उसके मौजूद है। कौन है वो लड़का? वो उस लड़के ने कहा हमारे को बताया, सैनी साहब हमने तो इतना दुख हो रहा है कि हमारे सामने से मार दी। ठीक है पापा है जी, एक मिनट, दो मिनट है। मैं तो मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस जो सामने मर्डर हो रहा हो आप इसको हाईलाइट करो, इस तरह के आदमियों को बचा लोग दूसरा तरीका अडॉप्ट करने के भी वो हैं, बचाओ आप हाईलाइट करो किसी तरीके से, ये मतलब हाईलाइट हो सके और दोषी को सजा मिल सके।
आपके सामने ये बता रहे हैं जी, आपने भी उनका बचाव किया था, ऐसा है तो जी, कैसी घटना थी उस दिन की? यो किरसन है जो इसका घराड़ा था, इसके पीछे ईंट लेकर लाग रहा था यार, रोंदी पिटती ही आई, मारा पड़ोस लाग गए है, तो पड़ोस मैंने बोली नुन्नू मारा था, नुन्नू मारा है, मैं कोई नहीं बैठ उरे बैठ जा तू और मैं देखूँ इसने, मैं इसने देखने का बाद अपना घर बिठा दे, माड़ा बड़का दुर जा, उन्हें देखने का वो मिलया नहीं मैंने, वो ताड़ा लगा के और फरार हो गया। अरे यार रात भर मैंने अपना घर रखी, सवेरे मैंने कहा मैं अपना घर चली जा, मेरे बड़का दौरा ओड़ा ही सुहा दी, मैं इन बड़का दौरा सो जा, तो बुरा हाल कर रखा था जी, कहने का मतलब है इसका जीना दूबर कर रखा था, और लास्ट में फिर आखिर में मार दी वो। परिवार ले जाने के लिए तैयार था भाई, उसके बावजूद भी घटना को अंजाम दिया गया। जो ग्रामवासी फिलहाल यहाँ भी मौजूद है शायद उनकी आंखों में पानी है। मतलब आप रहा करते है, आपने उसके निचर कैसे ले गया करते जो आपका दामाद है? वो तो बेकार है जी, वो तो सारी लड़े करता, पिटे करता लड़की ने, हाँ काम कुछ करना नहीं, काम कुछ करना नहीं है, कोई काम कुछ नहीं, ना कुछ नहीं, एक भी एक ही कभी और पीछा दिया होना, वो खुद उसको खुआया करते, हाँ खुद कमा। आप कल दिन में उसके पास थे? कल दिन में पास थे, चौकी में थे सारे हम जी। आप गामड़े का कहना है कि आप 15-15, 20-20 दिन वहाँ भी रहे? हाँ 25 दिन रहे हमें जोड़ा, बचाव के लिए, बचाव के लिए मेरे जोड़ा दो बार मेरे जोड़ा पिटी है जी, हैं आपके सामने? हाँ मेरे सामने पिटी है जी। ये जो इंस्टांस बता रहे हैं ना, हाँ जो सैनी साहब, ये इन उस दिन ये सामने थे, अकेले आदमी की के पार बसावत थी, वो सारे आदमी 10 आदमी थे जिन जिन के नाम हमने पुलिस, बल्कि एक दिन मेरी मारने की सलाह करी ने मेरी भी, फिर मैं पंडित था, मैं गया पंडित के और स्पाइड में सोया पंडित की, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो गया? हाँ हाँ मेरे साथ भी मारन का, मेरे में भी बच गया जी, वो लड़की के पीछे लगे इधर से इधर अपना बचाव करके निकल गया। इसके पीछे सारा हाँ करमवीर का, जिसके मैं करमवीर है जो जो होमगार्ड में काम करता है, वो इस जिले का एसपी से भी अपने आप को ऊपर समझता है, हाँ और ये जितनी वो कर रहा है ना जी, वो होमगार्ड वाला एसपी समझ के वो सारा सब कुछ अपने हाथ में रख कर करवा रहा है, वो लड़की उसने मरवाई उसी की उस पर कल हमने छोड़ दिया, उसने कहा था इस लड़की को कोई हाथ नहीं लगाओ, मेरी जिम्मेवारी है, मैंने कहा इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं इसकी, फिर भी गांव वाले की शर्म करके हमने उन्होंने कहा अभी कोई बात नहीं, जब ये जिम्मेवारी ले है तो इसकी जिम्मेवारी समझो, हाँ हो सक मारण गेली के वो तो था ही, वो तो रात ने तो भाई के चर्चे चले गए, जितनी बात करें उतनी थोड़ी है, बाकी दयनीय और निंदनीय घटना है। आपने वो देखे नहीं होंगे, बच्चे यहाँ नहीं होंगे, मेरे पास में थे वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने बच्चे देखे थे, ये लड़का है, क्या नाम बेटा? अरमान है। अरमान कौन सी क्लास में पढ़ा है? नाइन्थ। नाइन्थ में कितनी उम्र होगी तेरी? 13 साल। 13 साल का बच्चा है भाई, छुट्टी है मैंने देखी जी, 13 साल का बच्चा है, गुड़िया छोटी ही है, वो इससे भी छोटी है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं बच्चे का क्या होगा, बच्चे कैसे गुजारा करेंगे, घर में और कोई नहीं है, सिर्फ वीर मर्द दोए थे और जो कांड हो गया ये रह गया, कौन मर्द मर्द रह गया भाई, बाकी जो भी मामला है उसकी मतलब जांच कहाँ तक पहुंची, जैसे पोस्टमार्टम हो रही है? अभी तक पोस्टमार्टम चला हुआ है, चला हुआ सर, तो अभी जैसे किसके ऊपर संदेह है पुलिस को? पुलिस ने उसके पिता ने 8 आदमी के नाम लिखा है जी, ठीक पोस्टमार्टम के बाद जी जैसी कार्रवाई होगी नियमानुसार मन में लगा। थैंक यू सर, ठीक।